तो गाइस स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको अननोन एपीके डाउनलोड करनी चाहिए या नहीं, और अगर आप उसे डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले आपको स्कैन करना है उस एपीके को, और वो स्कैन आप कहां से करोगे, कैसे करोगे, और यही चीज़ आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा। ये प्रोसेस आप किसी भी डिवाइस में कर सकते हो। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने ये दो एपीके यहाँ पे रख रखा है और हम इसी को स्कैन करेंगे, और अभी हम एक ओरिजिनल एपीके भी डाउनलोड करेंगे ताकि मैं आपको दिखा सकूँ क्या ये रियली वर्क करता है या नहीं। फ़िलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ये दो एपीके रखे हुए हैं, जिसमें मैंने एक को तो एम्बेड कर रखा है यानी कि ओरिजिनल एपीके के साथ मैंने अपना वायरस मिला दिया है, और दूसरा है हमारा वायरस यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ वायरस ही है। और अभी हम एक एपीके और डाउनलोड कर लेंगे जो कि पूरा का पूरा ओरिजिनल होने वाला है, ताकि हम उसे स्कैन कर सके और देख सके कि क्या ये रियली वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लूँगा, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इंस्टाग्राम एपीके डाउनलोड, इतना टाइप करके मैं एंटर कर देता हूँ, और मेरे सामने ये पहली साइट विजिबल हो रही है। मैं इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैं इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, और अब हमारी एपीके हमारे सामने आ चुकी है। मैं इसका रीनेम कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ सेफ डॉट एपीके, सेफ इंस्टा, क्योंकि ये पूरी की पूरी सेफ है, इसमें कोई भी वायरस नहीं है। और उसके बाद हम यहाँ पे सर्च करते हैं वायरस टोटल। तो आपको जिस साइट से स्कैन करना है उस साइट का नाम है वायरस टोटल। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वायरस टोटल, और आपको यहाँ पे पहले इनकी वेबसाइट विजिबल हो जाएगी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा, और अब हम यहाँ पे वो वाली फ़ाइल अपलोड करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली फ़ाइल। तो सबसे पहले हम सेफ इंस्टा डॉट एपीके वाली फ़ाइल अपलोड करेंगे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ चूज़ फाइल, और यहाँ पे हम सेफ इंस्टा डॉट एपीके को सिलेक्ट कर लेते हैं। और जैसे ही मैंने इसे सिलेक्ट किया, इसने स्कैनिंग शुरू कर दी है। अगर कोई भी वायरस होगा तो ये हमें तुरंत ही बता देगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसने 59 एंटीवायरस में से 0 ने इसे डिटेक्ट किया, यानी कि ये पूरा का पूरा सेफ एपीके है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे नो सिक्योरिटी वेंडर्स लिखा हुआ आ रहा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे एंटीवायरस आपको विजिबल होंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हम गूगल एंटीवायरस को भी देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा स्क्रॉल, और ये रहा, गूगल ने भी इसे अनडिटेक्ट किया है, यानी कि इसमें कोई भी वायरस नहीं मिला इसे, जो कि हमने भी देखा क्योंकि हमने इसे ओरिजिनल फाइल दी थी, इसलिए इसमें कोई भी वायरस नहीं है और कोई भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पाया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे आपको एंटीवायरस मिलेंगे, MCAFI, एवास्ट एंटीवायरस, माइक्रोसॉफ्ट, और भी काफ़ी आपको इधर एंटीवायरस दिख जाएंगे। और भी हम डिटेल देखते हैं, डिटेल्स पे जाते हैं हम, और यहाँ पे आप इसके काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस देख सकते हो। यहाँ पे इसका मैजिक फाइल टाइप और एंड्रॉइड वगैरह वगैरह और भी काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे इसके नेम्स की, इसके हाल ही में क्या क्या नेम्स रहे हैं, और यहाँ पे इसका एंड्रॉइड इंट्रो समरी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम तब देखेंगे जब हम वायरस वाले एपीके को यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो आप और भी काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं, हम इसको बाद में देखेंगे। और यहाँ पे मेन चीज़ यही है इसका डिटेक्शन, अभी फ़िलहाल इसने कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर पाया। और यहाँ पे एक और हम वायरस टोटल खोल लेंगे, क्योंकि हम तीनों को कंपेयर करेंगे, तीनों फाइल्स को। और अब हम जो फाइल करेंगे चूज़ वो करेंगे एम्बेडेड डॉट एपीके। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है एम्बेडेड डॉट एपीके। तो हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में, और यहाँ पर मैं करता हूँ चूज़ फाइल, उसके बाद एम्बेडेड डॉट एपीके को मैंने कर लिया यहाँ पर सिलेक्ट। और सिलेक्ट करने के बाद इसने अपनी स्कैनिंग शुरू कर दी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे दो एंटीवायरस ने इसे अभी तक डिटेक्ट किया, अब 6 और 10, क्योंकि ये एम्बेडेड किया हुआ वायरस था तो इसे ज़्यादातर डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी तक तो 18 एंटीवायरस ने इसे डिटेक्ट कर ही लिया है। तो एक बार स्कैनिंग होने देते हैं,
अभी 63-64 में से 18 एंटीवायरस ने इसे डिटेक्ट किया और अब हमारी स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे देख सकते हैं 65 में से 18 एंटीवायरस ने किया है डिटेक्ट और 18 सिक्योरिटी वेंडर्स इसे मिले हैं। और अब हम नीचे करते हैं और अब हम देखते हैं कि कौन कौन से इसे एंटीवायरस ने डिटेक्ट किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी बैक चाहता हूँ मैं, और उसके बाद स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले तो ये इसने एंट लैब V3 ने इसे डिटेक्ट किया, फिर हमारा गूगल ने भी इसे डिटेक्ट किया। अगर गूगल ने डिटेक्ट किया इसका मतलब ये पक्का ही जो है ये वायरस है। और यहाँ पे आप काफ़ी सारे जो देख सकते हैं एंटीवायरस जिसने इसे डिटेक्ट किया है और नहीं किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्विक हील ने इसे डिटेक्ट किया है, एवास्ट ने इसे डिटेक्ट नहीं किया है और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको एक एक करके दिखाऊँगा। MCAFE और माइक्रोसॉफ्ट अनडिटेक्टेड है और MCAFE देख सकते हैं आप यहाँ पे अनडिटेक्टेड, और भी काफ़ी सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इतने सारे एंटीवायरस ने इसे डिटेक्ट किया है यानी कि ये वायरस ही है पक्का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 इसे सिक्योरिटी वेंडर्स में। अब हम इसके डिटेल्स में जाते हैं कि इसके डिटेल्स में आपको क्या क्या दिखाई देगा। सबसे पहले तो हम इसके बिहेवियर में जाते हैं, उसके बाद हम इसकी कम्युनिटी में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वायरस टोटल ड्रोइडी जो है डिस्प्ले हो रहा है हमें और ये अभी अपनी स्कैनिंग कंप्लीट कर रहा है, एक बार ही इसे करने देते हैं। और डिटेक्शन नॉट फाउंड, जो इसने जो डिटेक्ट नहीं कर पाया लेकिन कई सारे एंटीवायरस थे जिसने इसे डिटेक्ट कर लिया है। और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इतना ही था। अब हम मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सर्विसेज ओपनड अब मिलेगी आपको, यहाँ पे जो सी भी सर्विस ओपन होगी वो आपको यहाँ पे शो होगा और यहाँ पे उसकी भी स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है। और ये रहा, यहाँ पे आ रहा है मेलिशियस रूल, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और अब हम चलते हैं इसके रिलेशंस में, इसका क्या रिलेशन है, किससे रिलेशन है। तो यहाँ पे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट जो इसकी फ़ाइल होती है जिसमें सारा का सारा डेटा सेव होता है वो भी आपको इस फाइल में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे डिटेक्शन, उसी में डिटेक्शन हुई है। और भी आप इसे शो करेंगे तो आपको इतना सब कुछ दिखाई देगा। मैं स्क्रॉल करता हूँ तो 3 डिटेक्शन मिले हैं इसे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉक्स .xml में। और यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं, डिटेल्स में आपको काफ़ी डिटेल्स मिल जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फाइल टाइप इसका दिखेगा, आपको मैजिक जो है दिखेगा, जिप आर्काइव डेटा TRID और फाइल साइज़ आपको पूरी की पूरी जितनी है उतनी ही आपको यहाँ पे ये दिखाएगा, ना उससे कम दिखाएगा ना उससे ज़्यादा दिखाएगा। और यहाँ पे आप इसके नेम्स embedded.apk और android.info.apk है ये, जैसा कि हमें भी पता है। एंड उसके बाद आप और भी चीज़ देख सकते हैं, मेन एक्टिविटी और सर्टिफिकेट एट्रीब्यूट्स, सर्टिफिकेट सब्जेक्ट एंड सर्टिफिकेट टीज़र, ये पता नहीं यार क्या है, लेज़र शायद तक यही है। और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, आप चाहे तो इनका एक का एक अगर आप पता लगाएं तो आपको इसमें पता लग सकता है कि ये वायरस कहाँ से आया है। और ये रही, ये जो आपको परमिशंस देगा यानी कि जो जो ये आपके एक्सेस लेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये एक्सेस लेगा लोकेशन, इंटरनेट, अलर्ट विंडो, लोकेशन, रीड कॉल लॉग, कैमरा, रीड फोन स्टेट, राइट एक्सटर्नल स्टोरेज, रिकॉर्ड ऑडियो, रीड SMS। तो इतनी सारी परमिशंस लेगा और वो इतना सारा जो है आपकी चीज़ एक्सेस कर सकता है। और एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे इसकी देख सकते हैं, रीड SMS एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे इसकी दिखाई देगी। तो इतनी सारी परमिशन आपको देनी पड़ेगी अगर आपको किसी का फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो। और ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाती है अगर आप एक एथिकल हैकिंग के नज़रिए से देखो तो। हमें सिर्फ इतना ही जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है और आगे तो हम सब कुछ कर ही सकते हैं। और अब आप इसकी एक्टिविटीज़ भी देख सकते हो और सर्विसेज एंड रिसीवर्स, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं।
आप चाहे तो और भी इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको छोड़ते हैं और यहाँ पे फिर हम जाते हैं डिटेल्स पे, जैसा कि हम पहले गए थे। और अब हम यहाँ पे अपनी तीसरी फाइल अपलोड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक और न्यू टैब ओपन कर लिया, जिसमें मैंने वायरस टोटल ओपन कर लिया फिर से। और यहाँ पे हम चूज़ फाइल पे सिलेक्ट करते हैं और इस बार हम ये वाली वायरस जो है डालने वाले हैं, ये वाली APK। और ये सबसे पावरफुल APK माना जाता है। और ऐसे भी आपको, अगर आपको birthday.apk का कोई भी APK आता है तो आपको उसे कभी भी इंस्टॉल नहीं करना है। और अब हमारी फाइल स्कैन हो चुकी है। यहाँ पे मैं IAM NOT A ROBOT पे क्लिक कर देता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी फ़ाइल ये रही। हमारी फ़ाइल जो है स्कैन हो चुकी है और यहाँ पे इसको मिले हैं 27 सिक्योरिटी वेंडर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 सिक्योरिटी वेंडर्स एंड नो सैंडबॉक्स फ्लैग्ड द फाइल एज मेलिशियस। तो यहाँ पे 27 जो 65 में से इसे 27 एंटीवायरस ने इसे स्कैन कर लिया है, इसे डिटेक्ट कर लिया है। और अब हम देखते हैं कि कौन कौन से जो है एंटीवायरस ने इसे डिटेक्ट किया। सबसे पहले आता है AntiLab V3 version 3, और उसके बाद गूगल ने भी इसे डिटेक्ट किया है। उसके बाद हम और भी देखते हैं। फ़िलहाल गूगल ने इसे एक तरह से डिटेक्ट नहीं किया है, क्योंकि जब भी मैं ये वाला APK किसी फ़ोन में सेंड करता हूँ तो वो इसे डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे ये जो फेक है, मुझे लग रहा है कि ये गूगल ने डिटेक्ट किया है, लेकिन इसने नहीं किया है। और भी काफ़ी चीज़ें आप देख सकते हैं, ट्रू ब्लॉक जो भी है इसका नाम, ट्रू लुक, और इतने काफ़ी सारे एंटीवायरस ने इसे डिटेक्ट नहीं किया। माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसे डिटेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम इसकी थोड़ी डिटेल्स देख लेते हैं, इसका क्या जो पास्ट में इसकी इंफॉर्मेशन क्या रही है, इसकी डिटेल क्या रही है। तो मैं जाता हूँ डिटेल पे। उसके बाद MDS, अगर आपको ये सब समझ में आता है तो आप देख लीजिएगा, फ़िलहाल मुझे ये सब समझ में नहीं आता। और ये रहे, ये सबसे हमारी मेन चीज़ रहती है, इसके पास्ट में ये नेम्स रहे हैं birthday.apk, जैसा कि मैंने आपको कहा था। और काफ़ी सारे नेम हैं, मोड, मेन्यू, VIP, happybirthday.apk, और ये XXX.apk, एनुअल, ट्रिप, और ये जो XXX.apk है यस ऐसा ही कुछ रहेगा। और जैसे ही आप उसे इंस्टॉल करेंगे तो काफ़ी अजीब सी आवाज़ आएगी, इसीलिए आप इसे इंस्टॉल मत ही करना, शायद तक आप अब आप समझ ही गए होंगे। तो ये रहे, काफ़ी सारे नेम रह चुके हैं इसके, आप चाहो तो एक एक करके इसे देख भी सकते हो। फ़िलहाल मैं इसको छोड़ता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं काफ़ी और चीज़ें। तो मैंने इसे शो लेस कर दिया और ये देखिए यहाँ पे एंड्रॉइड इन्फो आपको दिखेगी, समरी इसकी दिखेगी, मेन एक्टिविटी, फिर इंटरनल वर्जन, डिस्प्लेड वर्जन, और फिर सर्टिफाइड सर्टिफिकेट एट्रीब्यूट, फिर सर्टिफिकेट सब्जेक्ट, सर्टिफिकेट एट्रीब्यूट आप यहाँ पे देख सकते हैं, सर्टिफिकेट सब्जेक्ट देख सकते हैं, उसके बाद सर्टिफिकेट लेज़र देख सकते हैं, परमिशंस, हाँ ये क्या क्या परमिशन मांगे हैं, ये ज़्यादा कुछ आपसे परमिशन नहीं मांगे, ये सिर्फ मांगे स्टोरेज, क्योंकि ये आपकी जो कई सारी फाइल्स होती है ये उन्हें डिलीट कर देता है, इसीलिए ये आपसे मांगे स्टोरेज। और एक इसकी परमिशन है वो है अननोन। उसके बाद एक्टिविटीज़, सर्विसेज, प्रोवाइडर, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। स्क्रॉल, जैसे ही आप इसे एक्सप्लोर करोगे आपको और भी चीज़ें दिखेगी इसमें। तो छोड़िए, अब हम कोई दूसरी चीज़ देखते हैं। अब जाते हैं इसके रिलेशंस में और ये देखिए, ये आपको यहाँ पे IPs भी शो करेगा कि इसकी IP कहाँ से आई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1 point, इसका भी हम लोकेशन पता करते हैं कि ये कहाँ से आया है। तो फाइंड IP मैंने यहाँ पे टाइप किया, सो चलिए IP लोकेशन सर्च कर लेते हैं। फिर आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी, चाहे तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपको जो सभी अच्छा लगता है IP लोकेशन ट्रेस करने वाला, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल इस पर क्लिक किया और हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा।
तो काफ़ी स्लो हो गया है ये शायद। ये रहा, अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वो वाली आईपी, तो पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कंट्री दिखा रहा है यूएस और कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, और इसका ओरिजिन टाइम अमेरिकन है शिकागो का, और इसका प्रोवाइडर जो है गूगल है, आईपी एड्रेस, होस्ट नेम, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है। तो छोड़ते हैं हम इसे और नीचे चलते हैं। नीचे चल के यहाँ पे ड्रॉप्ड फाइल, कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन है नहीं यहाँ पे। इसके बाद हम जाते हैं इसके बिहेवियर में, और यहाँ पे देखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशंस। तो ये रहा आईपी ट्रैफिक, उसके बाद बिहेवियर, सिमिलैरिटीज़, फाइल ओपन, कौन कौन सी फाइल ओपन करेगा ये, फाइल डिलीटेड, फाइल कॉपीड, फाइल ड्रॉप्ड, और शेल कमांड, सर्विसेज समरी, एक्टिविटीज स्टार्टेड, परमिशन टाइप, परमिशन ट्री, रन टाइम मॉड्यूल्स, हाइलाइटेड टेक्स्ट, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। और ये शायद तक चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ है, मुझे चाइनीज़ नहीं आती। अगर आपको चाइनीज़ आती है तो आप इसे पढ़ सकते हैं और नीचे कमेंट भी कर सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद हम लास्ट चीज़ में आ जाते हैं जो कि है कम्युनिटी, और यहाँ पे प्रोटेक्ट स्टार, तो कुछ ख़ास नहीं है। बाकी हम देख लेते हैं इसे, यहाँ पे दिखा रहा है पेगासस, शायद तक ये हो सकता है। देख लेते हैं हम ये है क्या, क्योंकि अभी हम सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाले हैं वन बाय वन, इसीलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगर आप मेरे साथ बने रहे हैं तो बहुत बहुत थैंक यू। ये कुछ नहीं है, ये वही हमारा पेज है जो फिर से ओपन हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ, और ये रही हमारी तीनों की तीनों रिपोर्ट आ चुकी है। और अब हम टेस्ट करते हैं कि सबसे ज़्यादा किस में जो है एंटीवायरस ने इसे डिटेक्ट किया है। तो सबसे पहले हमारा आ जाते हैं इसमें जहाँ पे जीरो एंटीवायरस ने इसे डिटेक्ट किया है, यानी कि ये वायरस नहीं है, देख सकते हैं। और दूसरी फाइल पे आ जाते हैं जहाँ पे इसने 65 में से 18 एंटीवायरस ने इसे डिटेक्ट किया है, यानी कि ये हमारा एक वायरस है। हालांकि उतना पावरफुल नहीं है, पावरफुल है लेकिन उतना इसे डिटेक्ट नहीं किया गया। उसके बाद हम आ जाते हैं तीसरी अपनी एपीके में, उस यहाँ पे 65 में से 27 एंटीवायरस ने इसे डिटेक्ट किया है, जो कि था VirusTotal APK, और ये बहुत ही पावरफुल APK मानी जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एंटीवायरस ने इसे डिटेक्ट किया है इस APK को। तो VirusTotal APK को सबसे ज़्यादा एंटीवायरस ने इसे डिटेक्ट किया है। तो यही थी आज की वीडियो, और आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि एक APK को कैसे स्कैन करते हैं, और उसकी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते हैं, कि उसकी क्या हिस्ट्री रही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपका कंप्यूटर के रिलेटेड या फिर किसी चीज़ में आपके कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I tell you though, 'cause I'm feeling so good. Oh, yeah. Yeah.